तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके आसपास के मनाजर ये आपको चीख चीख के कह रहे हैं कि हम लोग कहीं रोड पे सफर कर रहे हैं, और इस दौरान हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है कहीं छांव में गाड़ी खड़ी कर दें, ताकि हमारी वाइफ जो है, जो कि इतनी खूबसूरत सी है, लड़की है, प्यारी सी है, चलो यहाँ खड़ी कर दें, ताकि ये खूबसूरत सी लड़की जो है वो छांव में बैठी रहे। शीशा खोल दो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो आपने वॉइस सुनी वो मेरे हस्बैंड की थी, और हम पहले वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और उसके बाद फिर हमने बच्चों को पिक करना था, बच्चों को पिक करने के बाद हमें घर आना था, और घर आने के बाद उनको लंच वगैरह कराने के बाद हमने निकलना था बेटे की हेयर कटिंग के लिए, और मुझे किसी के घर विज़िट करना था, अपनी जो मेरी पुरानी नेबर हैं उनके घर विज़िट करना था। तो हम गए यहाँ पर कटिंग करवाने के लिए। दिल्ली कॉलोनी में इसकी शॉप है, और ज़बरदस्त इस बंदे ने बाल काटे हैं, इतनी अच्छी। और हालत तो देखें दिल्ली कॉलोनी की, इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मैं कुछ नहीं बयान कर सकती। लेकिन उसने इतने अच्छे से तकरीबन 45 मिनट्स लेके उसकी सारे बाल मेरे बेटे के कटिंग किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने इनका नंबर, शॉप का नेम वगैरह आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपने जाना है तो इसी लड़के से काम करवाएं, ये बहुत अच्छे से करता है। मुझे बाकियों का खैर पता है नहीं, लेकिन इससे मैं सेटिस्फाई हो गई कि मेरे बेटे के बहुत अच्छे से इसने सर्विस दी है, और जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे इसके बाल, और बड़े अच्छे से काटे उसने, फिर इसका हेयर स्टाइल भी बना के दिया। तो ये सब कुछ करने के बाद हम पहुंच गए जिनके घर में आई थी। उनका ये माशाल्लाह से नवासा है, आहिल नाम है इसका, और ये बहुत क्यूट है। ये मुझे खाला कहता है। मेरे सारे भांजा भांजी जो हैं वो मुझे खाला नहीं कहते, जबकि मुझे बेहद शौक़ है खाला कहलवाने का, मगर मैं मुझे जो है ना उन्होंने कभी खाला नहीं कहा, या वो मुझे डिफरेंट नामों से पुकारते हैं वो लोग। तो ये जो है एक वाहिद बच्चा है जो मुझे खाला कहता है कि सबा खाला सबा खाला। तो यहाँ हम गए, और इसके बाद हमने खाना खाया, और खाने पे वो हमारा वेट कर रहे थे, जाहिर सी बात है। तो चिकन कढ़ाई थी, स्वहंजना था। स्वहंजना पंजाब के लोगों को ज़्यादा पता होगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में इसके थी मटर पुलाव था, गाजर का हलवा था, शामी कबाब थे। तो फुल फ्लेज मज़ेदार सा खाना खाने के बाद हम बैठे, बहुत सारी बातें की माशाल्लाह से, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 महीनों बाद मैं गई थी इनके पास। और उसके बाद फिर बच्चों की फरमाइश पे इन्होंने कुकीज़ वगैरह मंगाए, जो कि मुझे खाने का बिल्कुल दिल नहीं था क्योंकि मैं फुल थी, मगर ये पतीसा जो है पंजाब का मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही मज़े का होता है, तो ये हमने इन्जॉय किया। साथ ही साथ हस्बैंड को भी मैंने कह दिया था कि आप आ जाइएगा, पिक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे जाना है नूडल वाला, जो कि मैंने आप लोग के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि नूडल वाला कहाँ है। इंतहाई फजूल तरीन, मैं आपको कुछ नहीं बयान कर सकती, क्योंकि कनौर के और मैगी के नूडल्स वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और ये वही सेम पैकेट बना के चटपटा टाइप देते हैं, और उसके साथ जो है ये करते हैं, क्या कहते हैं, थोड़े से ऊपर सॉसेस वगैरह डालते हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अब है संडे का दिन, संडे को सुबह 8:07 पे हम निकल गए हैं। कहाँ निकल गए हैं जी, शायद टाइटल से आपको पता चल जाए, थंबनेल से पता चल जाए। तो हम जा रहे थे नाश्ता करने के लिए, पीसी मार्को पोलो जा रहे थे। बच्चों का बहुत दिल था कि हमें बुफे सिस्टम का नाश्ता करना है, क्योंकि उसको उनको बच्चों को बच्चे बहुत बहुत इन्जॉय करते हैं बुफे। तो हम फिर निकल पड़े, और बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, और सबसे मज़े की बात ये थी कि संडे मॉर्निंग थी, और संडे मॉर्निंग को रश बहुत कम होता है, बहुत कम। तो हमें कोई ट्रैफिक वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला, और बड़े मज़े से हम तैयार श्यार होकर अपने टाइम से पहुंच गए। और आज बड़े मज़े की बात ये थी, एक तो मैं क्रिकेट की फ़ैन नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे जो है ना हेट करने लग जाएंगे कि मैं क्रिकेट की फ़ैन नहीं हूँ। आई डोंट नो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो मुझे क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिकेटर्स आए हुए थे, PSL चल रहा है, मुझे आइडिया नहीं था। वहाँ पर कोई कामरान अकमल आके बैठे, वहाँ से लोग आके सेल्फी ले रहे, मैंने कहा मैंने इनको कहीं देखा हुआ है, मेरे ख्याल है मैच वगैरह खेलते हैं। फिर मैंने सर्च किया और देखा तो वो कामरान अकमल थे, अच्छे इंसान थे, मतलब बहुत पोलाइट थे, लोगों के साथ तरीके से सेल्फी वगैरह ले रहे थे, ऐसा नहीं था कि थोड़ा रूडनेस वगैरह दिखा रहे हैं। तो बस वहाँ पे फिर बेन कटिंग भी थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी थे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स वगैरह आए हुए थे काफ़ी, मुझे ख़ास पता नहीं। तो खैर
हमने तो अपना बफे इन्जॉय किया, नाश्ता इन्जॉय किया बेसिकली, जिसमें वॉफल थे, क्रेप्स थे। क्रेप्स मुझे ख़ास पसंद नहीं आए, लेकिन वॉफल्स इनके बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेश फ्रेश थे और टेस्टी भी थे। सिर्फ फ्रेश नहीं होना, टेस्टी भी होना ज़रूरी होता है। इसके साथ यहाँ पे काफ़ी सारी जो है इसकी टॉपिंग्स वगैरह रखी हुई थी, फ्रेंच टोस्ट भी थे। मैंने आज फ्रेंच टोस्ट नहीं खाया, हालांकि मुझे वो खाने थे, ड्राई करने थे। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खाती ही। तो चीज़ काफ़ी डिफरेंट वैरायटी की चीज़ेस रखी हुई थी, चिकन पाया था, बीफ पाया था और बहुत सारी वैरायटी थी। अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे सब बहुत अच्छा लगा, सिवाय एक चीज़ के, जो इनके वेजिटेबल्स पैटीज थे इंतहाई फजूल थे। मतलब मुझे लग रहा था वो बाकायदा देखने से कि वो रात के जो है ना बचे हुए उन्होंने सर्व कर दिए हैं। साथ में कॉफ़ी थी, टी थी, हॉट चॉकलेट थी, जूसेस थे, वो सब आके वो पूछ रहे थे कि अगर आपको कुछ चाहिए। चीज़ ऑमलेट था तो आपकी चॉइस थी आपने क्या बनाना है। फिर पैनकेक थे और फेटा चीज़ और सारी ये चीज़ें, मतलब जो जो आपको खाना है, जो आपकी चॉइसेस हैं। मैंने यहाँ के पाए इन्जॉय किए, पाए बड़े मज़े के थे। ये हॉट चॉकलेट है, वो भी बहुत मज़े का था। ये मेरे हस्बैंड की प्लेट, ये मेरी प्लेट। ब्रेड पुडिंग थी, वो भी बहुत मज़े की थी, लेकिन इनकी बेक्ड फिश भी बहुत बेकार थी। दो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बाकी जो है बहुत मज़े का था। और ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ पाए का सालन। मैं इसकी कोई जो हड्डियाँ और रगे वगैरह हैं वो नहीं खाती हूँ। और ये कैपेचिनो एक मंगवाई थी, साथ में हलवा पूरी थी। हलवा पूरी की जो पूरी थी वहाँ पे वो फ्रेश देते थे, जब भी आप मतलब हलवा पूरी चने वगैरह ले आएँ तो पूरी आपको फ्रेश फ्रेश बना के देते हैं। और अच्छी खासी फूली हुई और बड़े साइज़ की पूरी थी तो, लेकिन ऑयल जो है ना इनका मुझे थोड़ा सा डार्क कलर का लग रहा था। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। तो बस ऐसे ही था, यूं ही बस हमने संडे स्पेंड किया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा संडे गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। इन्जॉय हमने खूब किया, अपना फैमिली टाइम, रिलैक्स संडे, काफ़ी जल्दी उठ गए थे। इसके बाद जो कभी कहते हैं ना कि वो आज आपका दिन था, कि आज आपने बाहर ही से खाना है, तो सुबह का नाश्ता ये कर लिया। और माशाल्लाह नाश्ता इतना हैवी था, 10:30 तक के टाइमिंग थे इनके, तो उठते उठते तकरीबन 10:45 हो गए थे हमें यहाँ पर। उसके बाद जो है फिर हमने घर पर आके रिलैक्स किया, मैंने बिरयानी बनाई थी लास्ट नाइट, तो वो बिरयानी इन्जॉय की। उसके बाद जी रात को हमने मंगवाया बारबेक्यू से खाना, तो ये मंगवाया है इनका चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और साथ में इनकी पनीरी हांडी ये मंगवाई थी। साथ में इन्होंने इतने सारे, इतने प्याज महंगे थे, मैं सोच रही थी इन्होंने इतने सारे प्याज दिए कैसे हैं, तो वो प्याज और सारी इसकी सॉसेस वगैरह इन्होंने दी थी। साथ में वो इनके कंधारी नान हमने मंगाए थे और इनको मैंने गरम कर लिया था इन हांडियों में, तो ये ज़रा ज़्यादा देर के लिए गरम रह जाती है। और उसके बाद फिर हमने खूब इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।